हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई कम विथ ए टॉपिक्स एंड दिस टॉपिक्स इज़ वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल डिबेटेबल टॉपिक्स, बिकॉज दिस टॉपिक्स अफेक्ट्स ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी from poor to rich. Entire country population affects these topics, from these topics. So I discuss a topics, namely inflation. According to syllabus, this topics is a parts of BA part 2 economics honors students. So I now discuss the topics and discuss about this inflation. Inflation, that means Hindi में इसे हम लोग बोलते हैं मुद्रा अस्फीति, और इसे हम और उसका अगर जो सिंप्लीफाई रूप हम लोग पढ़ते हैं तो महंगाई से बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विथ डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन, यहाँ का है क्या कि व्हाट इज इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है कि ये महंगाई क्या है. तो जनरली ये डिफिनेशन वेरी सिंपल डिफिनेशन एंड ऑल यू अंडरस्टैंड विथ ए जनरलाइज फॉर्म ऑफ डिफिनेशन. दैट मीन्स द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस इंक्रीजेस in reference to time, that means a fixed time is known as inflation. कहने का मतलब यह हो गया कि अगर इकोनॉमी में सारे वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो उसे हम एक निश्चित समय अंतराल में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसे उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं. दैट मीन्स इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन गिवन टाइम और ए फिक्स टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एंड इन इकोनॉमिक टर्म इन्फ्लेशन रेट, जिसको कहते हैं, ये तो हो गया इन्फ्लेशन का परिभाषा हो गया, महंगाई का परिभाषा हो गया, और जो जिससे हम कहते हैं महंगाई दर क्या है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज काउंटेड इन परसेंटेज. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिस्कस इन परसेंटेज लेवल. दैट मीन्स हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स वन मंथ एंड वन ईयर जनरली काउंटेड एट द प्राइस लेवल. सो व्हाट इज इन्फ्लेशन हम डिस्कस किए, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में भी हम डिस्कस किए कि रेट ऑफ द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज एट परसेंटेज लेवल इज इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जनरली वन मंथ एंड वन ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. यह हमारा कहता है कि परसेंटेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन से हम इसका करते हैं. अब यहाँ पे हम जो है कि इन्फ्लेशन को हम मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, कि इन्फ्लेशन कैसे हम मेजर करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि इन्फ्लेशन मेजर करने का तरीका है.
इन्फ्लेशन। प्राइस ऑफ ईयर टू माइनस प्राइस ऑफ ईयर फर्स्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ईयर फर्स्ट इनटू 100। ऐसे हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाता है, इन्फ्लेशन रेट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो हमको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लेशन काउंटेड इन परसेंटेज, तो हमारा ये निकल जाता है। अब कभी कहीं इसे हम देखने को मिलता है कि ईयर टू क्या है, दैट मीन्स हम इसे डिफाइन कर देते हैं प्राइस ऑफ ईयर टू, ईयर टू काउंटेड एज ए करेंट प्राइस, करेंट प्राइस और प्राइस ऑफ ईयर वन इज काउंटेड एज कॉन्स्टेंट प्राइस, कॉन्स्टेंट प्राइस और प्रीवियस प्राइस और प्रीवियस प्राइस, इसको हम ऐसे काउंट करते हैं। तो हमारा क्या है, ये इन्फ्लेशन निकालने का एक फॉर्मूला है। इन इंडिया इन्फ्लेशन काउंट, इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द इंडेक्स, वेरियस इंडेक्स, बट इन वेरी पॉपुलर इंडेक्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट मीन्स विच इज सीपीआई, दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम इंडिया में हम महंगाई दर को किससे नाम मेजरमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारा यहाँ पर जो महंगाई दर को नापने का एक है। इसके अलावा भी है, बहुत सारा है, जैसे कि हमारा है डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये सब सारे इंडेक्स हमारा जो है कि से मेजर करते हैं हम, और इसके अलावा भी है आईआईपी है, ये सब सारे चीज को हम इंडेक्स को हम फॉलो करते हैं, कंज्यूमर प्राइस फॉर रूरल सेक्शन, कंज्यूमर प्राइस फॉर अर्बन सेक्शन, ये सब सारे चीज जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर फार्म रूरल फार्म वर्कर, ये सब सारे चीज का है। पर बट ओवरऑल प्राइस इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहां पर हम जानते हैं कि व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिस डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज दिस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ फिक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एंड देयर प्राइस। इसके प्राइस को एक ऐसा बास्केट बनाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है कि जिसमें एक वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा चूज करके कि ये कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर के उपभोग में लाए जाने वाला वस्तु है, और उसे उस एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रखता है, जिसे हम लोग से बास्केट में रखा करता है, और उस वस्तु का प्राइस लिस्टेड होता है यहाँ पर, उसके बाद जो प्राइस में वैरी करता है, प्राइस में जो चेंजेज आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। फॉर यहाँ पर हम कंज्यूमर करंटली इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड बेस ईयर, और इसका एक बेस ईयर होता है, जब भी इसका जब मेजर किया जाता है तो बेस ईयर होता है कि किस बेस ईयर में बनाया गया। करेंटली कंज्यूमर प्राइस बेस ईयर इज 2012, 2013 के प्राइस से हमें इन्फ्लेशन रेट को हम मेजर करते हैं और माप रहे हैं, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा यहाँ पे ये दिखाता है। तो हम इसको समझ गए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द फिक्स बास्केट ऑफ फिक्स गुड्स एंड सर्विसेस एंड देयर
क्वोटेशन प्राइसेस, यानी कि वस्तु का जो प्राइस उसका जो फिक्स रहता है उसमें लिस्टेड होता है, और वस्तु जो लिस्टेड होता है नाम से उसके अनुसार से जब हम किस कोई वस्तु का दाम बढ़ता है या घटता है तो हम प्राइस को हम यहाँ पर मेजर करते हैं, और ये हमारा कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI शॉर्ट में इसे हम जानते हैं, ये हमारा है। बट दिस इज नॉट एक्यूरेट इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ एनी इकोनॉमी। तो हम क्या कर सकते हैं कि यह बताता है, ये तो हमारा निकालता है कि हम किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु का हमें प्राइस नापना है, मेजरमेंट करना है, तो CPI के अनुसार नापेंगे। पर यहाँ पर ये है कि अगर हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट इसका नहीं हो पाता है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होने का कारण क्या है कि इसमें लिस्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का काउंट होता है। अगर कुछ कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इकोनॉमी में तमाम तरह का गुड्स वस्तु यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और उसे अगर मेजरमेंट करने का बात आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसे मेजरमेंट करने के लिए हम करते हैं GDP डिफ्लेटर का हम यूज करते हैं। डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर क्या है, GDP डिफ्लेटर यह है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ऐसे हम अगर निकालते हैं तो हमारा यह निकलता है, क्या निकलता है, जीडीपी डिफ्लेटर, और दिस इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी। नॉमिनल जीडीपी यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी इज करेंट प्राइस, मेजरमेंट लेवल ऑफ करेंट प्राइस और मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं। फिर यहां पर रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी इज कॉन्स्टेंट प्राइस, और इसे हमको क्या करते हैं, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर बन जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है एक्यूरेट होता है। द जीडीपी डिफ्लेटर इज द मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज इट कवर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। द अदर इंडिसेस WPI, CPI डिराइव फ्रॉम प्राइस क्वोटेशन फॉर सेलेक्टेड कमोडिटी बास्केट। अब हमारा यहाँ पे ये हमारा आ गया कि हम क्यों इसको यूज करते हैं, बट हमें इसे यूज जनरली क्यों नहीं करते हैं, इसका भी एक कारण है कि why we not use GDP deflator frequently, because हम इसलिए नहीं यूज करते हैं कि डाटा ऑफ GDP deflator not come in regularly, that means monthly or weekly नहीं आता है, मंथली और वीकली इसका डाटा रिलीज नहीं किया जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का, जिसके कारण हमें मजबूरन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हमें जाना पड़ता है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में अब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि हम स्पेसिफिक अपना पॉइंट जो है जो उस पर हम चलेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे हम अब चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को बेस्ड ऑन रेट, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रेट, बेट ऑफ वेस्ट ऑन रेट इंक्रीजिंग रेट किस दर से बढ़ता है उस पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो किस दर से हमारा बढ़ता है उसके बारे में हम करते हैं। पहला हमारा जो है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, विच इन्फ्लेशन इज नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देयर रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इज लेस देन 2%
लेस देन 2%, इसका बढ़ने का दर, जो इसका जो महंगाई दर जो बढ़ने का है वो लेस देन अगर 2% है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन इज नॉट हार्मफुल फॉर इकोनॉमी बट दिस वन इज बेनिफिशियल एंड इसे necessary for economy। ये हमारा ये बताता है creeping inflation, इस तरह का inflation, वह इस inflation जिसका बढ़ने का दर, बढ़ने का rate less than 2% हो, 1-2% के बीच में हो, तो इस तरह के inflation को हम creeping inflation के नाम से जाते हैं। creeping इसको हिंदी में कहते हैं, जैसे एक बोला जाता है कि किसी तरह का कोई एक जीव होता है जो बहुत ही रेंगते स्टाइल में चलता है, उस तरह का उसी के नाम पे आधारित है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और वह इन्फ्लेशन बहुत ही नॉमिनल होता है। और यह जो है दिस इन्फ्लेशन इज नॉट हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी बट क्या करता है कि इन्फ्लेशन जरूरी है इकोनॉमी के लिए, और यह एक मददगार होता है इन्फ्लेशन इकोनॉमी को करने के लिए। कंसिडर सेफ एंड इसेंशियल फॉर द इकोनॉमी प्राइस एट वेरी स्मॉल। फिर है वॉकिंग इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ द मॉडरेट रेट। अब फिर यहां पर हम लेते हैं, ये इन्फ्लेशन हो गया। अब दूसरा हमारा है वॉकिंग इन्फ्लेशन, कदम ताल जिसको हम कह सकते हैं, मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट मीन्स इंक्रीजिंग बिटवीन मोर ग्रेटर देन 2% टू 10%। दिस इन्फ्लेशन इज वार्निंग ऑफ इकोनॉमी एंड इंडिकेटर ऑफ अलर्ट ऑफ अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी, ये बताता है, कहता है क्या वॉकिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ मॉडरेट, यानी कि कहने का मतलब इसका जो बढ़ने का दर है, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ द रेट इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन 2% टू 10%, 2-3% के बीच में इसका वॉकिंग इन्फ्लेशन का जो मूवमेंट करने का होता है वह होता है। और दिस इन्फ्लेशन इज वार्निंग, यह जो इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में आ जाता है तो वह इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को वार्न करता है कि ये आप अलर्ट हो जाइए, इसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास अगर कोई उपाय है, विधि है, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो आगे चलकर ये आपके इकोनॉमी के लिए क्या कर सकता है, घटा पहुंचा सकता है। तो यह इस तरह का इकोनॉमी ये हमारा ये हो गया। फिर यहां पे हम आते हैं थर्ड है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ राइजिंग इज मोर देन 10% टू 20%। ये हमारा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजिंग फ्रॉम 10% जिस महंगाई दर का चाल 10% से लेके 20% के बीच में हो, उस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ते हुए जिस देश की इकोनॉमी इस इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रही है उस देश के इन्फ्लेशन को हम बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ता हुआ महंगाई दर जो हमारा ये है। यह इस तरह का इन्फ्लेशन जो होता है दिस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन
inflation is dangerous, dangerous for economy. ये ऑलवेज किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है, और यहाँ गवर्नमेंट एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी पर क्या करता है, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ दिस इन्फ्लेशन, इंपैक्ट ऑफ दिस इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी एडवर्सली एडवर्सली कहता क्या है कि यह जो इन्फ्लेशन है जो विपरीत है इकोनॉमी के लिए, और यह क्या करता है, हार्म करता है, तो इस तरह का रनिंग इन्फ्लेशन हो गया। अब हमारा जो है जो एक नेक्स्ट है जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वह इन्फ्लेशन होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यह इन्फ्लेशन क्या होता है, दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन भी नाम करते हैं। प्राइस राइज एट वेरी हाई रेट मोर देन 20% एंड अबव, दिस सिचुएशन ब्रिंग द टोटल कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी। अब यह बताता है क्या, दिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मोर देन 20% एंड अबव दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंप्लीटली कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी को कोलैप्स की ओर ले जाता है। तो हमारा यह है इन्फ्लेशन का टाइप, मेनली 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन एनी इकोनॉमी जो हम यहाँ पर डिस्कस किए। पहला जो क्या है डिस्कस किए, जो हमारा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसका रेट है लेस देन 2%, वॉकिंग इन्फ्लेशन मॉडरेट रेट में चलता है जो यहाँ पर है मोर देन 2% टू 10%, रनिंग इन्फ्लेशन जो है 10% टू 20%, गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं जो है मोर देन 20% टू अबव, इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम इकोनॉमी में देखने के लिए मिलता है, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम यहाँ पे देखें। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो हम जो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या कॉजेज हैं जो कि इन्फ्लेशन हमारा जो है जो उत्पन्न होता है ये आता है। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम यहाँ पर देखते हैं ऑफ इन्फ्लेशन कैसे आता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मेनली टू कोर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, वन इज डिमांड इन्फ्लेशन एंड अनदर इज कॉस्ट इन्फ्लेशन, दैट मीन्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दोनों डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में करेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीन्स दोज इन्फ्लेशन विच एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे डिमांड जो है जो प्रीवियस सप्लाई से ज्यादा हो गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इस स्थिति में क्या होता है कि डिमांड जब बढ़ने लगती है तो ऑटोमेटिक क्या किया जाता है कि प्राइस को वहां पे राइज होना पड़ता है और राइज करता है। इसके पीछे भी फैक्टर्स हैं कि क्यों डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है और क्यों कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आता है उसके बारे में करते हैं। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, फर्म कॉस्ट ऑफ फर्म इज इंक्रीजेस
is known as cost push inflation. Cost of firm is increases, then after increases of cost of the firm, then price shift on the consumer, finally shift on the consumer, and this type of inflation is known as cost push inflation. So हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या होता है, कि कैसे ये पहला होता है. सबसे पहले यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आता कैसे है. कट इन इंटरेस्ट ये फैक्टर है जो यहां पर करता है, जो डिमांड पुल को बढ़ाने में इन्फ्लेशन को करता है. इंक्रीज मनी सप्लाई, अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कर जाने पर, तो डिमांड में जाएगा. वेज इंक्रीजेज, इस स्थिति में भी डिमांड पुल जाएगा, और इस स्थिति में कॉस्ट पुश में भी आएगा. ये कॉस्ट पुश भी कर सकता है जब वेज का जो इंप्लायर है उसके वहां पर उसका वेज बढ़ गया है. डिवैल्यूएशन ऑफ मनी ऑफ द कंट्री, तो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जाएगा. इसको हम यहां पर रखते हैं. इंक्रीजेस इन टैक्सेस एक कंडीशन में भी हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ओर जाएगा, और फियर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन. इस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट इन्फ्लेशन में ये हमारा सहयोग करेगा. ये सारे फैक्टर हैं हमारे इसको करने में. डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम जान चुके हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज डिमांड इज व्हेन डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एट दिस कंडीशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर इन द इकोनॉमी. ये इसको फैक्टर कौन कौन से है. कट इन द इंटरेस्ट, इफ मॉनेटरी सिस्टम इकोनॉमी मॉनेटरी सिस्टम ए कंट्री मॉनेटरी सिस्टम कट इन द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है, तो मार्केट में जो मनी जो होता है, जो बरोवर जो होता है, जो उसे लेने के लिए होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है. और यहाँ पर एक क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु पे हम ईएमआई घटा दिए, जब ईएमआई का रेट घटा देने के कारण क्या होता है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होने लगता है. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस स्थिति में सबके साथ यही हो जाएगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का यहाँ पर समस्या आ जाएगा. इंक्रीज मनी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कट जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. इस कंडीशन में सबके पास में मनी आ जाएगी, पर्याप्त मात्रा में मनी आ जाएगी. उस कंडीशन में हर एक लोग चाहेगा कि हम वस्तु का हम सेवन करें, परचेज करें, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसका भी हो जाता है. वेज इंक्रीज, अगर वेज इंक्रीज एट द लेवल ऑफ दो, ये दोनों का फैक्टर है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब भी आता है व्हेन इकोनॉमी इज फुल इम्प्लॉयड. अगर इकोनॉमी हमारा क्या है, फुल इम्प्लॉय है. यहाँ पर है एग्रीगेट डिमांड ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई, इफ द इकोनॉमी इज एट और क्लोज टू फुल इम्प्लॉयमेंट, देन एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. एज फर्म रीच फुल कैपेसिटी द रिस्पॉन्ड बाय द पुटिंग अप प्राइसेस लीडिंग टू इन्फ्लेशन, ऑल्सो नियर फुल एम्प्लॉयमेंट विथ लेबर शॉर्टेज वर्कर्स कैन गेट हायर वेजेस विच इंक्रीज देयर स्पेंडिंग. अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का स्थिति है, तो यहाँ पर कोई भी लेबर अनएम्प्लॉयड नहीं है. जब अनएम्प्लॉयड नहीं है तो उसे क्या, अगर कोई एक्स्ट्रा रूप में काम करवाना चाहेगा, मोर आवर अगर काम करने के लिए उसे बोला जाएगा, तो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा वेजेज लेगा. और एक्स्ट्रा वेजेज जब लेगा तो उस वेजेज का क्या होगा कि उसके पास ज्यादा पैसे आएंगे, और वो क्या करेगा, फिर वो गुड एंड सर्विसेज का ज्यादा डिमांड होगा, तो ये फिर इस तरह से रूप में काम करने लगता है. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको हम बोलते हैं कि वैसा इन्फ्लेशन जो डिमांड पुल यानी धकेल रहा है, डिमांड की ओर जो खरीदता है उसे धकेल रहा है, डिमांड पुल करते हैं, पुल खींचता है, डिमांड को खींच रहा है उसको कहते हैं. और क्या है, कॉस्ट पुश ज्यादा पुश करना, कॉस्ट के सेंस में है. पहला है वेज इंक्रीज.
अगर किसी फर्म का फर्म कॉस्ट ऑफ द फर्म इज इंक्रीजेस देन दिस कॉस्ट शिफ्ट ऑन द कंज्यूमर एंड दिस इन्फ्लेशन इज नोन एज कॉस्ट पुट्स इन्फ्लेशन. तो वेज इंक्रीजेस यहाँ पर कॉस्ट पुट्स इन्फ्लेशन का फैक्टर है. डिवैल्यूएशन इसे समझने की जरूरत है. डिवैल्यूएशन करेंसी डिवैल्यूएशन इज द प्रोसेस डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन जो है प्रोसेस है जो होता है इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी कंट्री के करेंसी के द्वारा करेंसी में. अगर किसी कंट्री के करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया यानी कि उसके मुद्रा का वैल्यू कम हो गया इंटरनेशनल मार्केट में तो अगर बाहर से अगर विदेश के कंट्री से अगर उसे इंपोर्ट कर रहा है तो उसे पेमेंट के रूप में ज्यादा पे करना पड़ेगा और उसे ज्यादा जब पे करना पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा कि वो डोमेस्टिक मार्केट में उसका वैल्यू ज्यादा होगा प्राइस ज्यादा होगा जिसके कारण उस तरह के जो प्राइस बढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इंक्रीज इन टैक्सेस कभी कभी गवर्नमेंट के द्वारा अगर टैक्स किसी वस्तु पर लगा दिया जाता है तो वह टैक्स क्या हो जाता है कि जो का लास्ट कंज्यूमर होता है वो फेस करता है पे करता है तो वो भी क्या प्राइस बढ़ जाता है तो उसको भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का फैक्टर नाम देते हैं. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन फियरनेस किसी जब क्या होता है कोई सिचुएशन ऐसा अकर हो जाता है कि इस वस्तु का कीमत हो सकता है बढ़ जाए डर हो डर की स्थिति में तो लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं जिसके एवज में जो विक्रेता होता है उसे मालूम चल जाता है कि वस्तु का ज्यादा मात्रा में परचेज होने लगा है किसी कारणवश जिसके कारण वो करता है क्या करता है ऑटोमेटिक उस वस्तु का कीमत बढ़ा देता है और इसका भी फैक्टर क्या है कॉस्ट पुश फैक्टर के रूप में इसे काउंट किया जाता है जो हमें यहाँ पर मेन जो फंडामेंटल फैक्टर जो था जो हम डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर का वो हम दिखाने का काम किए एक डायग्राम के थ्रू. अब इस सब डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी हम क्या करेंगे एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो यहाँ डिस्कस कैसे करते हैं सो हम देखते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन है रियल जीडीपी यहां पर पीएल फॉर प्राइस लेवल पीएल यहां पे है लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई ये हो गया हमारा ये हमारा AD1 और AD2 है एग्रीगेट डिमांड 1 एग्रीगेट डिमांड 2 ए और ये बी पॉइंट है यहाँ पे Y1 और यहाँ पे Y2 ये देखिए इसको हम Y से GDP को हम करते हैं. ये हमारा डिमांड का है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ग्राफ है. क्या है कि एक्स एक्सिस में रियल जीडीपी को हम रख देते हैं जिसे हम वाई से डिनोट कर रहे हैं वाई एक्सिस में पीएल यानी कि प्राइस लेवल को हम यहां पर डिनोट किए हैं. ये जो हमारा जो लाइन है लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व का लाइन है लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व का ये हमारा लाइन है. पहला कंडीशन में डिमांड हमारा AD1 था जो ये स्थिति में था और यहाँ पे यह हमारा क्या है प्राइस वन P1 है और यहाँ पर P2 है P1 प्राइस लेवल पे था. अब हम क्या होता है कि वो सब सारे फैक्टर अगर इफेक्ट कर रहे हैं किसी वस्तु को यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया मनी सप्लाई बढ़ गया वेज रेट बढ़ गया है तो ये सब की कंडीशन में यहाँ पर चल गया तो क्या करता है एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करके AD1 से AD2 पर चल गया. तो जब एग्रीगेट डिमांड AD1 से AD2 पर चला गया तो इस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि GDP तो इसका बढ़ता है बहुत कम नॉमिनल बढ़ता है और यहाँ पर क्या हो गया प्राइस लेवल P1 से बढ़कर P2 हो जाता है. तो ये हमारा कंडीशन हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन का. हमारा क्या कंडीशन हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन का हमारा एक कंडीशन एग्रीगेट डिमांड कैन इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द एनी ऑफ द कंपोनेंट्स. अब हम यहाँ पर जीडीपी में हम पढ़े थे कि इसका जो फैक्टर होता है C+I+G+M ये हम यहाँ पर पढ़े थे ये इस तरह का हम
पढ़े थे कि अगर इसका कंपोनेंट होता है जीडीपी का सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन, इस कंपोनेंट में यहाँ पर है किसी में भी एक में अगर इंक्रीजमेंट होता है तो हमारा क्या करना, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे, हमारा ये प्रभाव पड़ता है और एक कंपोनेंट हमारा हमारा जी आ प्लस यहाँ पर एक्स एक्स और एम जो हम आगे पढ़े थे, इसमें हम किए थे कि नॉमिनल जीडीपी और एनएनपी वगैरह का हम चर्चा किए थे, बाहर से आने वाले रिमिटेंस वगैरह का। इफ एनी चेंजेज इन दिस इक्वेशन इफेक्ट ऑन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर इंक्रीज कर रहा है कंज्यूमर में, फिर आई में, फिर जी में, एक्स में, एम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिमांड को हम इंडिकेशन करता है कि इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ये हमारा डिमांड पुल का हो गया। अब हम क्या देखते हैं कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश में हमारा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमारा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी उसी तरह से हमारा एक ग्राफ है एक्स, सॉरी यहां पे भी हम रियल जीडीपी, रियल जीडीपी जिसे हम वाई से इंडिकेट कर रहे हैं, और यहां पर पीएल प्राइस लेवल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर हमारा है ए शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई कर्व, यहाँ पे हमारा ये मेरा डिमांड है एग्रीगेट डिमांड, और ये मेरा सप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वन, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई टू यहाँ पे है। अब देखिए कि फर्स्ट स्थिति हमारा क्या है कि हमारा डिमांड यहाँ पे था और यहाँ पर पी वन और यहाँ पर वाई वन, यहाँ पर जीडीपी, यहाँ पर वाई वन, इसका पे पी वन था, उस सब सारे फैक्टर को यहाँ पर जब इफेक्ट किया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, शिफ्ट कर गया ऊपर की ओर चढ़ा गया, बाईं ओर चला गया, और ये हमारा इस तरह से शिफ्ट करके इस तरह से आ गया, तो यहाँ पर प्राइस भी मेरा बढ़ गया और यहाँ पर जीडीपी भी मेरा घट गया, देखिए जीडीपी भी मेरा क्या हो गया, घट गया। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, ये हमारा डायग्राम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब आता है, उस सब सारे फैक्टर जब काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा क्या था उसमें वेज रेट था, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन का, ये सब सारे चीज का जब था, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ रहा है वाई वन से वाई टू को आ रहा है, और यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे ये सारे बढ़ रहा है। तो ये डायग्राम मेरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का है, हमारे किस तरह का टाइम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, ये हम हो सकता है, आई होप कि आप इससे अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि बहुत ही हम विस्तृत तरीका से हम डायग्राम के थ्रू भी हम बता रहे हैं। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का हमारा एक ग्राफ दिखा। अब जो हम आगे थोड़ा सा जो हम इसमें डिस्कस कर देंगे, इन्फ्लेशन के अलावे जैसे डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के अलावे क्या होता है, जो कुछ टॉपिक्स है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन दैट मीन्स एंटी अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करता है, और डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज करता है, घटने लगता है, और अपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन होता है, और इसका जो मेजरमेंट होता है निगेटिव में हमें देखा जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला हो गया यहाँ पर इन्फ्लेशन, ये हो गया डिफ्लेशन का। फिर हमारा दूसरा है, पहला है उसके अलावा दूसरा है अस्टैग फ्लेशन, अस्टैग फ्लेशन,
स्टैगफ्लेशन का है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ स्टैगनेशन स्टैगनेशन एंड इन्फ्लेशन, स्टैगनेशन इन्फ्लेशन को एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। ये सिचुएशन जब आता है, देखा जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्टैगनेशन भी है इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन भी है इकोनॉमी में, और दोनों एक समान रूप से इकोनॉमी में उपलब्ध है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो देन व्हाट इज स्टैगनेशन, हम स्टैगनेशन का भी हम चर्चा करते हैं कि स्टैगनेशन क्या है, स्टैगनेशन क्या है, स्टैगनेशन क्या है, लो जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज नोन एज स्टैगनेशन। अगर किसी इकोनॉमी में सिचुएशन है कि उसका जीडीपी का ग्रोथ लो है, वेरी लो है, और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी उपलब्ध है, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टैगनेशन। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको?